विराट कोहली निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। शायद विराट की जगह पुजारा टीम में आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाए जाने के बावजूद विराट कोहली नजर नहीं आए। इसी बीच उनके बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अगले गुरुवार से हैदराबाद में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई के मुताबिक विराट निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो मैच नहीं खेल पाएंगे। सटीक व्यक्तिगत कारणों का खुलासा किए बिना बोर्ड ने मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि वे विराट के बारे में कोई भी अटकलें प्रकाशित न करें। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पहले दो टेस्ट मैचों के लिए विराट कोहली की जगह चेतेश्वर पुजारा को टीम में वापस लाया जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत में विराट की गैर मौजूदगी बड़ा झटका साबित होने वाली है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच 25 जनवरी से हैदराबाद में शुरू हो रहा है, फिर दूसरा टेस्ट 2 फरवरी से विशाखापत्तनम में शुरू होगा विराट इंग्लैंड के खिलाफ। 15 फरवरी से राजकोट में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के बाद विराट कोहली चौथे भारतीय के तौर पर 9000 टेस्ट रन से सिर्फ 122 रन दूर हैं। 35 साल के विराट ने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में दो टेस्ट मैचों में 176 रन बनाए। इनमें मुश्किल पिच और हालात पर विराट की 76 रनों की पारी ने सभी को प्रभावित किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट पाने के लिए क्रिकइंफो हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें